ग्लोबल वर्जन में जो भी स्किन्स होते हैं जैसे कि फ्रॉग प्रिंस सेट, जो कि मैं आपको यहाँ पे भी सामने दिखाऊंगा, मतलब ये क्या बात हुई यार, कौन से सेट है ये। एंड ऐसे भी नहीं होता कि ये जो ये फ्री में देते हैं, ये इसके लिए भी 60-60 यूसी डालने पड़ते हैं, यू नो लाइक हर टाइम अगर आप शॉप खोलोगे ऐसा कुछ नहीं है इंटरेस्टिंग जो आपको फ्री में मिलेगा हर चीज में। पबजी मोबाइल भी लाइक अरे पैसा लाया जैसे हम इसे गेम फॉर पीस भी कहते हैं। यहाँ पे गाइस मैं नॉर्मली ऐसे वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन गेम फॉर पीस में गाइस रिसेंटली एक ऐसे स्किन आया है ना कि मतलब मुझे रहा नहीं गया, मुझे आपको दिखाने ही दिखाने हैं। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगे, बहुत यूनिक कुछ तो लगे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो जो है एक डेडिकेटेड यू नो गेम फॉर पीस के आउटफिट या फिर स्किन्स के बारे में बताने को मैंने बनाई है। एंड ये वीडियो में गाइस मैं आपको एक आउटफिट भी दिखाऊंगा जो कि बहुत ही खतरनाक है यार, लाइक मतलब ग्लोबल वर्जन में ऐसा क्यों नहीं आता यार, लाइक ग्लोबल वर्जन में अभी मैं उसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन ये वीडियो में मैं आपको एक सेट दिखाऊंगा जो कि बहुत ही अच्छा यूनिक है, काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग है, डेफिनेटली बताना आपको वो पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा। एंड या ये जो भी मैं चीज दिखा रहा हूँ ये आपको मिलने से नहीं रहेगा, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये गेम फॉर पीसी रिलेटेड है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको इसमें यूसी वगैरह कुछ ऐड करने है, अभी इसमें यूसी की करेंसी कुछ अलग है, एंड मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे परचेस करके यू नो लाइक क्रेट्स ओपन करेगा, लेकिन यू नो एक काइंड ऑफ ये वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि एटलीस्ट ग्लोबल वर्जन में ऐसे कुछ तो क्रिएटिविटी लाओ यार, लाइक ग्लोबल वर्जन में जो भी स्किन्स होते हैं जैसे कि फ्रॉग प्रिंस सेट, जो कि मैं आपको यहाँ पे भी सामने दिखाऊंगा, मतलब ये क्या बात हुई यार, कौन से सेट है ये। एंड ऐसे भी नहीं होता कि ये जो ये फ्री में देते हैं, ये इसके लिए भी 60-60 यूसी डालने पड़ते हैं, यू नो लाइक हर टाइम अगर आप शॉप खोलोगे ऐसा कुछ नहीं है इंटरेस्टिंग जो आपको फ्री में मिलेगा हर चीज में। पबजी मोबाइल भी लाइक पैसा ला आई मीन ऐसा क्यों है, आई मीन ठीक है यार पैसा लेते हो, बट सेट तो कुछ अच्छा दो यार, इंटरेस्टिंग कुछ तो लाओ, कुछ भी आउटफिट लगा देते हैं यार, लाइक हुडी वुडी का, एंड बता देते ये सेट वो सेट, मतलब ट्रिगर हो जाता हूँ मैं अभी, बट मैं नहीं होऊंगा। एंड यहाँ पे जैसे देख रहे हो गाइस ये मेरे गेम फॉर पीस का अकाउंट है, एंड अभी मैं यहाँ पे शॉप में जाता हूँ गाइस, तो यहाँ पे ओ या भाई मतलब देख रहे हो आउटफिट देख रहे हो, मतलब खड़े होने का स्टाइल देखो, मतलब क्या कहूँ यार, इतना खतरनाक है ना, मतलब ये जब मैंने सुबह ओपन किया मैंने देखा एंड आई वाज लाइक मुझे आपको ये दिखानी है, मुझे आपको ये चीज दिखानी है। एंड भाई ग्लोबल वर्जन वालों अगर आप कोई देख रहे हो तो भाई ऐसी कुछ तो चीज लाओ, लाइक लिटरली ऐसी कुछ तो चीज लाओ, मतलब देखो यार ज्यादा कुछ क्रिएटिव इसमें आई मीन ज्यादा कुछ असेट्स नहीं है जैसे कि ऑर्नामेंट्स या फिर, बट या एक चीज में बहुत मेहनत लगी होगी इनको जो कि ये हेड गियर देख रहे हो हेलमेट के ऊपर के जो लाइक काइंड ऑफ लाइक हेयर्स है, अभी हेयर्स तो नहीं कहूंगा लेकिन जो भी है इट्स रियली गुड मैन। एंड इसका एक छोटा सा गेम प्ले है, आई मीन मेरा खुद का नहीं है, ऑफकोर्स मुझे आउटफिट नहीं मिला है, मैं इसमें एक रुपया भी नहीं डालता हूँ क्योंकि गेम फॉर पीस है, मैं इतना खेलता नहीं हूँ, तो इट्स नॉट रियली वर्थ इट फॉर मी। बट यहाँ पे जैसे देख रहे हो गाइस मैं आपको इसका छोटा गेम प्ले भी दिखाऊंगा, बट वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्किन्स दिखा देता हूँ जो कि एक न्यू पैक के जरिए आई है। एंड ये तो है आउटफिट ठीक है, एंड ये उसके बाद कार 98 जस्ट लुक एट इट, मतलब जस्ट देखो यार, आई मीन इसमें आई डोंट थिंक सो कोई ऐसे लाइटिंग्स वीटिंग्स है, बट भाई कार 98 का लुक देखो डूड, लाइक मैं पबजी मोबाइल खोला हूँ या फिर साइबर पंक खोला हूँ क्योंकि साइबर पंक में भी लाइक थोड़ी सी थीम मुझे साइबर पंक जैसे लग रही है, देख सकते हो काइंड ऑफ येलो या फिर गोल्डन कलर का है। एंड लाइक कार 98 मतलब लगती ही नहीं है भाई, कुछ तो फ्यूचरिस्टिक वेपन लग रही है। बट मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी जो कि इसके फ्रंट साइड का, आई मीन ऐसे लगता है कि पंप एक्शन शॉटगन है, अभी मुझे ऐसा बग आउट हो रहा है या फिर मुझे ऐसा यू नो लाइक वो दिखाई दे रहा है कि यार ये तो स्नाइपर है लेकिन स्नाइपर के आगे ऐसा क्यों दिया है, जस्ट देखो यार। एंड ये अपग्रेडेबल नहीं है, बट रिसेंटली इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्किन्स अपग्रेडेबल डाले थे, मैं आपको दिखाऊंगा। सो उसके बाद गाइस यहाँ पे हेलमेट में भी उन्होंने वेरिएशंस लाए हैं, तो ये है लेवल 3 का हेलमेट। एंड इसमें जो देख रहे हो आउटफिट में जो ये हेड गियर है वो एक प्रॉपर यू नो लाइक मास्क है सर पे पहनने वाला, तो हेलमेट नहीं है, हेलमेट जो है वो ये है। तो लेवल 1 में भी हेलमेट देख सकते हो लाइक सॉर्ट ऑफ ऐसा है, टट्टी है, बट लेवल 1 हेलमेट ज्यादा कोई यूज नहीं करेगा, ऑफकोर्स आपको लेवल 2 फटाक से मिल जाता है या फिर लेवल 3। बट या लेवल 1 में आप देख सकते हो क्रिएटिविटी है जरा, यू नो लाइक सींग है वो उन्होंने ऐड किया है। उसके बाद लेवल 2 में ये ट्रांसफॉर्म होता है एंड लेवल 2 में थोड़ा अच्छा दिख रहा है, एंड देन लेवल 3 बूम, तो आपको लाइक आपके जहाँ पे आँख होते हैं तो वहाँ पे भी उन्होंने कुछ तो
यू नो ग्राफिटी डाली है, उसके बाद नूज के यहाँ पे भी कुछ तो ग्राफिक्स है, तो मतलब इट्स रियली गुड मैन। आई मीन बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है गेम फॉर पीस वालों की, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक हर टाइम मैं ये कहता हूँ, एंड इट्स रियली वर्थ इट। आप भी मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको भी ऐसे ही लगता है या नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ग्लोबल वर्जन में कोई भी स्किन अच्छी नहीं होती, होती है, जैसे कि ग्लेशियर्स, उसके बाद और भी और बहुत कुछ, लेकिन जैसे आपको पता है इट्स मिथिक, लाइक लिटरली हजारों में से प्रॉबली एक या दो जनों को मिलती है, एंड दैट्स वेरी वेरी रेयर। आई मीन इसमें भी ऐसे रेयर होते होंगे, लेकिन इसमें जो लोग प्रोवाइड करते हैं स्किन्स लाइक वीकली, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बैक की स्किन भी दिखाऊंगा, भाई मतलब बैक की स्किन देखो यार, एंड ये लेवल 1 की है, तो लेवल 1 जस्ट लाइक अ नॉर्मल गिटार, लेवल 2 नॉर्मल गिटार प्रो, एंड देन लेवल 3 अल्ट्रा नॉर्मल। अभी क्या बोलू यार भाई, लेवल 3 की बैक देखो यार, मतलब ऐसा लग रहा है दो बैग को चिपका दिया है ग्लू से। आई मीन इट्स डोप मैन, आई मीन जो इन्होंने काम किया इसके ऊपर, लाइक कुछ तो टंग भी उन्होंने बनाई है, एंड उसके बाद यू नो इस साइड में देख सकते हो ये कुछ तो घूमने वाला लीवर है, बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैं आपको और स्किन दिखाता हूँ गाइस, ये तो आपने देख ही लिया होगा, उसके बाद ये देखना, ओह यार ये कुछ तो न्यू सीजन से रिलेटेड है, काइंड ऑफ अ टाइम मशीन जैसा, बट या रियली गुड। उसके बाद ये नॉर्मल है, ये आई थिंक 100 आरपी वाला सेट है इस सीजन का, तो ये जो या देयर यू गो। एंड ये जो चीज़ है ना, ये जो एनिमेशन या फिर जो इंट्रोडक्शन आउटफिट का, ये अभी ग्लोबल वर्जन वालों ने भी यूज़ करना चालू कर दिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। आई मीन डेफिनेटली मैं ऐसे कहूँगा कि कॉपी किया है, बट जो भी है इट्स अ गुड थिंग। यू नो अगर आप कोई आउटफिट दिखा रहे हो तो काइंड ऑफ एनिमेशन दिखाओ, काइंड ऑफ कुछ तो इंट्रोडक्शन दिखाओ, तो दैट्स अ गुड थिंग। एंड गेम फॉर पीस में वो बहुत पहले से देख सकते हो, वो लोग सॉर्ट ऑफ एक कहते ना क्या जी, तो ऐसे कुछ तो वर्क करता है। एंड म्यूजिक्स है कॉपीराइट पन ओके। तो अभी मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ जो कि रिलेटेड है प्रॉब्ली गन से, तो एक सेकंड मुझे देखने दो। एंड या यहाँ पे तो ये जैसे देख रहे हो गाइस, इस पैक के साथ कार 98 के लिए ऐसी स्किन आई है, कुछ तो PEC आई थिंक इनका कुछ तो एक टूर्नामेंट है जैसे हमारा ग्लोबल में होता है, तो ये है वो कार 98 की स्किन। एंड उसके बाद AUG की स्किन दिखाता हूँ, तो AUG की भी स्किन सिमिलर देख सकते हो, लाइक कार 98 जैसी थीम है, एंड देन SLR में भी सेम है, तो या इट्स रियली गुड। यहाँ पे कुछ तो लिखा है सामने, पता नहीं क्या, क्लियरली दिख रहा नहीं है। एंड उसके बाद और भी आप स्किन देख सकते हो, ये अर्लियर की स्किन है, M16 की है, उसके बाद पैन की है, मतलब भाई क्रिएटिविटी देखो यार, मतलब जो डिटेलिंग की है SK12 पे, डिटेलिंग देखो यार। उसके बाद ये बाइजन है, Win94 है, ओह माय गॉड नेक्स्ट लेवल मैन। एंड ये देखो यार, ये K9 की स्किन देखो, कार 98 की। एंड अगर आप सोचते हो ये बेयोनेट जो सामने लगा है यू नो वो चाकू वाला, तो उसे आप मार नहीं सकते, ऐसा कोई दिमाग मत लगाओ। उसके बाद M249 वाली स्किन है, भाई साहब मैन, उजी की भी स्किन है, एंड देन ये M4 की। तो ये मैंने बाकी के दिखा दिए, अगर आपके पास है तो आप खुद भी ओपन करके देख सकते हो, ये मुझे आपको दिखाना था। एंड जैसे मैंने आपको कहा वो सेट का जो है, ये सेट का मैं आपको गेम प्ले दिखाता हूँ, एक छोटा सा है, मेरा नहीं है ऑफकोर्स, चाइनीज प्लेयर का है, बट उसमें आप देख सकते हो एक काइंड ऑफ इमोट्स भी है। एंड भाई मतलब क्या लगता है यार ये सेट जब आप डाल के यू नो गेम खेलते हो, तो जरूर बताना गाइस कैसे लगे आपको ये स्किन्स, क्या ये ग्लोबल वर्जन से बेटर है या फिर नहीं है, या फिर ग्लोबल वर्जन के आपको अच्छे लगते हैं। देखो मुझे पर्सनली आप मुझे पूछोगे तो ग्लोबल वर्जन के इतने खास नहीं लगते, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे नहीं लगता वो वर्थ है। एंड स्पेशली वो हर एक जो आउटफिट आता है वो UC से रिलेटेड होता है, आपको क्रेट से यू नो लाइक काइंड ऑफ आपको एक जुआ खेलना पड़ता है यार, आपके पैसे लगे होते रियल पैसे, एंड आपको पता ही नहीं होता कि आपको वो आउटफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। वहाँ पे लिखते जरूर है कि वो लोग 100% चांस, 200% चांस, लेकिन घंटा कुछ नहीं मिलता भाई, मतलब मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ ना, अभी तो मैं इस कूपन्स पे ध्यान भी नहीं देता हूँ, मुझे पता भी नहीं है कूपन्स के नाम क्या है, लाइक दो कुछ तो कूपन्स होते हैं, मुझे स्किन्स में इतने इंटरेस्ट नहीं होते स्पेशली ग्लोबल वर्जन में, क्योंकि दिस इज द रीजन। एंड गेम फॉर पीस के देखो यार, आपके सामने यहाँ पे ही है गेम फॉर पीस के स्किन्स देखो यहाँ पे, आई मीन इतने अच्छे अच्छे होते हैं। पर जो भी है गाइस, बस आपको मुझे यही चीजें दिखानी थी, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जस्ट कुछ तो न्यू स्किन्स आए हैं तो मुझे लगा कि यार आपसे एक बार शेयर करूं, एंड आपके भी कुछ ओपिनियंस मुझे बता दो कि आपको क्या लगता है गेम फॉर पीस के अच्छे है या फिर ग्लोबल वर्जन के अच्छे है। जो भी है यार ग्लोबल वर्जन वालों, डेफिनेटली यार गेम फॉर पीस से कुछ तो यू नो इंस्पायरिंग लो, कुछ तो आउटफिट्स दे दो हमें, क्योंकि बहुत सारी यूनिकनेस वाले आउटफिट्स इस गेम फॉर पीस में है। सो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ये आपको चीज दिखानी थी, अगर आप नए हो चैनल पे गाइज जरूर सब्सक्राइब करना, एंड जरूर बता कमेंट सेक्शन में कौन सी स्किन आपको अच्छी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप टू सी गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हाँ।